हमारी जो चाइना के साथ दोस्ती है वो बड़ी कंसिस्टेंट रही है, मुसलसल रही है, उसके अंदर वो उतार चढ़ाव नहीं आए जो अमेरिका के साथ आए हैं। और there been times when the US has been very friendly, but then you know when they think Pakistan is not of use to them, then we get abandoned and then they again sort of become friendly. For instance, I mean, Pakistan became a frontline state against the Soviets in Afghanistan. So Pakistan became a friend of US and sort of they helped us and they were good to us. But the moment the Soviets left, they slapped sanctions on Pakistan. Bhai, to ye America wala beech mein se ye zaroor muh se baat nikalni thi. इसको अगर तुम माइनस कर दो, वो चीन और पाकिस्तान की बात कर रहा है, तुम भी चीन और पाकिस्तान की बातें करो, ये कहो जो तुमने बाद में चीन के बारे में कहा है, वो अमेरिका बीच में घुसाने की क्या जरूरत है। बलूचिस्तान में जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं, चाहे बीएलए के हो या टीटीपी कहलाए, ये कहना है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का। पाकिस्तान के एसएसजी के ग्रुप को भी उनको कंट्रोल करने में काफी टाइम लगा, अभी भी हमें पता नहीं है कितनी कैजुअलिटीज हुई है। बलूच के जो रेबल्स हैं वो तो बोलते हैं कि 100 के आसपास हुए हैं, लेकिन हेलो फ्रेंड्स, सपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया में बवाल थमने का नाम ही नहीं देता। जब से इमरान खान ने चाइनीज़ मीडिया को इंटरव्यू दिया है और उसमें अमेरिका का नाम खुल के ले दिया, उसके बाद सब अपना सिर पीट रहे हैं। वो कह रहे हैं इसको अमेरिका का नाम लेने की जरूरत क्या थी, जब एंकर ने ही इससे सवाल नहीं पूछा था अमेरिका के बारे में। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी, इसको कुछ नहीं पता किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी करनी चाहिए। इसके मुँह में जो भी आता है बक देता है, और इसको कुछ भी समझ नहीं है कि पूरी दुनिया इसकी बातों को सुन रही है और इसका असर क्या होगा। और ये बात सच भी है, पाकिस्तान पहले से ही इमरान खान ने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा था अमेरिका को, उसका अंजाम भुगत रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियल क्रंच आया हुआ है, पाकिस्तान को उससे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, उसके बावजूद भी इमरान खान जो भी मुंह में आता है बोल देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। और आगे जाके देखिए फ्रेंड्स, और इस इंटरव्यू के भी क्या नतीजे निकलते हैं और पाकिस्तानी आवाम को क्या झेलना पड़ेगा, आइए फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते हैं। चीनी स्कॉलर एरिक ली को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि चीन हमारा हर मौसम का दोस्त है, कोई फेयर वेदर फ्रेंड नहीं है। एक वक्त था जब अमेरिका दोस्त था, मगर जब सोवियत यूनियन की अफवाज अफगानिस्तान से निकली तो उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद की, और फिर 9/11 हुआ तो अमेरिका को दोबारा हमारी जरूरत पड़ी। अमेरिका के अफगानिस्तान पर तसल्लुत के मकासद गैर वाज़ह थे, इसी वजह से उन्हें शिकस्त हुई है। Hasn't been a sort of like with China an all weather friend. There've been times when the US has been very friendly, but then you know when they think Pakistan is not of use to them, then we get abandoned and then they again sort of become friendly. For instance, I mean, Pakistan became a frontline state against the Soviets in Afghanistan. So Pakistan became a friend of US and sort of they helped us and they were good to us. But the moment the Soviets left, they slapped sanctions on Pakistan. But then 10 years later, when again 9/11 happened, they again became very good to us. But then when they could not win in Afghanistan, then we were blamed for this debacle what took place in Afghanistan. So with US it's not really been what it has been with China, an all-weather friend. China for 70 years our relationship, it has been consistent. Pakistan has at every possible forum stood with China, and China whenever Pakistan has needed China, China has stood with us. अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीनी स्कॉलर को इंटरव्यू देते हुए बड़ा ब्लंटली इस बात का इजहार कर रहे हैं कैटेगोरिकली कि हमारी जो चाइना के साथ दोस्ती है वो बड़ी कंसिस्टेंट रही है, मुसलसल रही है, उसके अंदर वो उतार चढ़ाव नहीं आए जो अमेरिका के साथ आए हैं। और हिस्टोरिकल जो ट्रुथ है या बेटर रियालिटी है वो भी कुछ ऐसी ही है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ऑब्वियसली वो बड़े ऑब्जेक्टिव रहे हैं, सब्जेक्टिव नहीं रहे उस तरह से, या फेयर वेदर फ्रेंडशिप नहीं रही अमेरिका के साथ। और इमरान खान साहब पहली बार अमेरिका को लेकर ये दो टोक स्टांस नहीं अपना रहे, बल्कि इससे पहले जब उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा तो उसके बाद भी ऐसी बातें होने लगी। कहा गया कि इमरान खान साहब ने बड़े दबंग अंदाज में अमेरिका को जो है वो आंखें दिखाई हैं और बताया है, उसका असल चेहरा भी दिखाया है। और लेकिन ऐसे में ऑब्वियसली हमें डिप्लोमेसी का मुजाहरा भी करना चाहिए। अभी एक तकरीर सामने आई है खान आज़म की, एक और इंटरव्यू चीन में ही देखे आया, देखे फिर वही हुआ ना, साथ में बंदे भेजे थे इसके कि देख पर्चा देख कर बोलना है, पॉलिसी स्टेटमेंट देनी है, पर्चा देखकर अपने आप से मुंह नहीं खोलना। लेकिन अब कितनी को निगरानी की जा सकती है कि वहाँ पे अगर कोई चीनी इंटरव्यू मतलब बात करते हुए इंटरव्यू लेगा तो उसका जवाब देते हुए तो अब साथ में कोई बंदा नहीं बैठा जो बताया कि इसका जवाब ये देना, इसका जवाब ये देना। नतीजा ये हुआ कि अब एक इनका इंटरव्यू सामने आया खान साहब का, जिसमें इन्होंने कहा यह है कि इंटरव्यू करने वाले ने, अब आप देखें उड़ते हुए तीर को के सामने आके खड़े हो जाना कि मुझे मारो। वो भाई वो चीनी इंटरव्यू जो ले रहा है बंदा, उसने सवाल किया है कि आप पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का फ्यूचर क्या देखते हैं, उसने ये सवाल किया है पाकिस्तान और चीन का, पोलाइटली यही पूछेगा ना,
भाई आप पाकिस्तान से आए हैं चीन, तो वो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात से बात कर रहा है, वो किसी तीसरे मुल्क की बात नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि चीन और पाकिस्तान, उसने तारीफें की डिप्लोमेटिक, मतलब है कि कोई कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू नहीं, बड़ी डिप्लोमेटिक, चीनी था जाहिर है। तो खान साहब उसका जवाब क्या दे रहे हैं? जवाब ये वो पूछ रहा है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के मुतालिक, खान साहब क्या जवाब दे रहे हैं? वो जवाब दे रहे हैं, देखिए अमरीका जो है ना, वो उसकी और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो तो उस तरह से ऑल वेदर फ्रेंड नहीं है, वो तो सोवियत यूनियन के टाइम पे देखें पाकिस्तान को इस्तेमाल करके चला गया, फिर उसने छोड़ दिया, फिर वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, फिर उसने हमें इस्तेमाल किया, दोस्ती गहरी हो गई, फिर छोड़ गया, अब वो फिर जो है कोई लिफ्ट लुफ्ट नहीं इतनी करा रहा। तो लेकिन चीन देखें जी, चीन तो असल में हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, और चीन जो है ना ये पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप है, और चीन जो है ना अगर मैं वज़ीर आज़म रहूँ या ना रहूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑल वेदर फ्रेंडशिप है। ओ भाई, तो ये अमेरिका वाला बीच में से ये ज़रूर मुंह से बात निकालनी थी, इसको अगर तुम माइनस कर दो, वो चीन और पाकिस्तान की बात कर रहा है, तुम भी चीन और पाकिस्तान की बातें करो, ये कहो जो तुमने बाद में चीन के बारे में कहा है, वो अमेरिका बीच में घुसाने की क्या ज़रूरत है? तुम चीन गए हो, चीन उसी दौरे से शुरू होने से पहले अमेरिका ने बाकायदा बयान दिया है, दिलवाया है उन्होंने, ये चीज़ें हवा में नहीं होती, इनके पीछे होमवर्क होते हैं। वहां पे जब तर्जुमान ने, अमरीकी हुकूमत के तर्जुमान ने ये उस दौरे के मौके पर कहा कि अमरीका को यानी पाकिस्तान को अमरीका और चीन में से किसी एक के इंतखाब की जरूरत नहीं है, तो उसका मतलब है वो आपको रास्ता दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो एक तरह से आपको रास्ता दे रहे हैं। आप ये कहें कि अमरीका, अगर कोई सवाल चीन में तुमसे अमरीका के बारे में करता है तो तुम उसको ये जवाब दो कि नहीं, ऐसी कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि अब आपने अमरीका का सुना नहीं, उन्होंने तो खुद कहा है कि पाकिस्तान को ऐसे इंतखाब की जरूरत नहीं है। हम जी आज जरा बात करेंगे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं, चाहे बीएलए के हो या टीटीपी कहलाए, साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा जाता है कि जितनी गड़बड़ मच रही है बलूचिस्तान में आजकल, क्योंकि अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया का भी कुछ ना कुछ वहां पे हाथ है और इंडियन इन्फ्लुएंस वहां पे पाया गया है, ये कहना है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का। एक छोटी चीज नहीं है ये, काफी सीरियस अटैक्स है, सीरीज ऑफ, पहले भी अटैक्स होते रहते हैं लेकिन अभी जो है इंटेंसिटी उसका बढ़ते दिखता है। और जो लेटेस्ट अटैक अगर हम देखें उसको एक प्रॉपर अटैक, जैसे अभी तक जो बलूचिस्तान के जो भी बीएलए है या जो जो उनके बीआरए है, उस तरह के जो टेररिस्ट रेबल ग्रुप्स थे, उनका अटैक जो होता था वो पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, जो उनके गाड़ियां आ रही है, कॉन्वे आ रहे हैं, जो एम्बुश करते थे, उस तरह के हिट कर दिया और भाग गए, हिट कर दिया और भाग गए। लेकिन ये जो लास्ट वाला जो अटैक्स हुए हैं, उन्होंने प्रॉपर फौजी कैंप के अंदर अटैक किया है और कैंप को कैप्चर करके फाइट करते हुए पाए गए हैं, ऐसे नहीं है कि वो अटैक करके चले गए हैं, तो उन्होंने वहां प्रॉपर फाइट किया है, प्रॉपर उन्होंने काफी दिन लगाया है, पाकिस्तान के एसएसजी के ग्रुप को भी उनको कंट्रोल करने में काफी टाइम लगा, अभी भी हमें पता नहीं है कि इतनी कैजुअलिटीज हुई है। बलूच के जो रेबल्स हैं वो तो बोलते हैं कि 100 के आसपास हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो आईएसपीआर का 14 के आसपास मेरे ख्याल से बताया लास्ट में, उसके बाद भी थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ होगा, बट ये है कि काफी सब्सटेंशियल हुआ है। और ये उन इलाके हैं जहां पर कोई इनका बलूच रेबल्स का कोई ज्यादा कोई गढ़ नहीं था और वहां पर उन्होंने जाके अटैक किया, तो ये एक चीज दिखाता है कि इनका जो ट्रेनिंग है इनकी जो, और ये भी बताया जा रहा है कि जो इन्होंने यूज किया था वो यूएस के हथियार यूज किए थे, यूएस मेड वेपन, तो ये वेपन कहाँ से आए, इनके जो यूनिफॉर्म कहाँ से आए और इनकी जो मोडस ऑपरेंटी जो चेंज हुआ है वो कैसे चेंज हुआ है, तो ये सब चीजें देखते हुए नो डाउट दैट दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। अब इसका क्यों हुआ है